गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हो आप सब? अच्छा, मैंने अभी काम स्टार्ट नहीं किया कुछ भी. मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए और बस सारा काम ऐसे ही पड़ा है. सब कुछ बाकी है काम में, कुछ भी ऐसा मैंने नहीं किया. थोड़ा टाइम मेरे फ़ोन मैंने किया, मेरे इन-लॉज के फ़ोन चल रहे थे, बस उनसे बात की, मम्मी से बात की, बस अभी सारा काम बाकी है. देखो मेरा किचन कितना बिखरा पड़ा हुआ है, इतने सारे बर्तन हैं वो भी साफ करने हैं. बस तो अभी कपड़े भी मशीन में डालने हैं और बेडशीट चेंज करनी है, बहुत सारा काम है. डस्टिंग करना बाकी है, झाड़ू पोछा सब कुछ बाकी है, मेरा नहाना और एक्स्ट्रा काम और लंच सब कुछ काम बाकी है. तो मैं फटाफट से काम ख़त्म करके आपको मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय. A few moments later. फ्रेंड्स, यहाँ मेरा किचन हो गया है क्लीन, बर्तन हो गए साफ और कपड़े चालू है मशीन में, बस अभी सुखा दूंगी और अब मैं शावर लेने जा रही हूँ फिर. हेलो फ्रेंड्स, मैं नहाने जा रही थी पर उससे पहले मैंने सोचा कि मैं जो फेस पैक यूज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ. वो हाँ, होम मेड है पूरा, मैं खुद बनाती हूँ और एवरी वीक मैं यूज़ करती हूँ और उससे टैनिंग रिमूव हो जाती है, फेस में ग्लो आ जाता है और टाइटनिंग इफ़ेक्ट करता है फेस हमारा. और वो बहुत ज़रूरी है कि हम रोज़ रोज़ तो पार्लर जा नहीं सकते, वीक में एक बार भी नहीं जाते, मंथ में या कभी कभी तो जो वर्किंग लेडी होती है वो तो मंथ क्या दो तीन मंथ में भी एक बार नहीं जा पाती. तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. तो बस मैंने बताया वो फेस पैक आप वीक में एक बार भी यूज़ करोगे ना तो भी आपकी स्किन हेल्दी और टैनिंग फ्री रहेगी. वो एक्चुअली उसमें क्या होता है कि स्क्रब भी आ जाता है, मॉइस्चराइज़र भी आ जाता है, हमारी स्किन को मॉइस्चर करता है, हेल्दी रखता है और ग्लोइंग इफ़ेक्ट तो करता ही करता है और रिंकल्स भी दूर करता है. पर उसको आप वीक में दो बार या वीक में एक बार तो ज़रूर लगाएं तो ही उस चीज़ का इफ़ेक्ट होगा. हम डेली इतना केयर नहीं कर पाते हैं हमारी स्किन का कि वीक में एक बार या दो बार स्क्रब कर लिया और मॉइस्चराइज़र डेली लगाना, वो सब हम नहीं कर पाते हैं कभी कभी. तो आप डेली यूज़ में एक चीज़ आप रूटीन रखो अपनी स्किन का कि नाइट क्रीम, डे क्रीम, SPF है या फिर टोनिंग करना, वो सब बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए. अगर इतना करते हो ना आप CTMP मतलब क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग तो हमारी स्किन बहुत हेल्दी रहती है. और उसके साथ साथ आप वीक में एक बार ये मैं जो फेस पैक शेयर कर रही हूँ वो भी आप लगाया करो तो उससे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है. तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो चलिए आप. सो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिया है बेसन और मुल्तानी मिट्टी, ये दोनों सेम क्वांटिटी में लेना है. बेसन और मुल्तानी मिट्टी है ये, और ये है ऑरेंज पिल पाउडर जो मैंने घर पे बनाया है. आप बाज़ार से भी ले सकते हो, मिलता है, पर अभी ऑरेंज की सीज़न है तो मैंने उसके पिल्स निकाल के सुखा दिए थे. तो ये होममेड पिल्स ऑरेंज पिल पाउडर बनता है. और ये है ग्रीन टी. ग्रीन टी हम पीने में तो यूज़ करते हैं पर हमारे स्किन के लिए भी बहुत इफ़ेक्ट करता है, वो उससे हम फेस पैक बनाएंगे. और ये है कस्तूरी हल्दी, वाइल्ड टर्मरिक. ये स्पेशली ऑर्डिनरी हल्दी नहीं है, हम जो खाने में यूज़ करते हैं वो नहीं है, स्पेशल स्किन के लिए है ये. आप इतना डिब्बा आप एक बार मंगा लोगे तो आपका 6 महीना तो आराम से चलेगा, मेरा 6 महीने के ऊपर चला है ये. और इससे स्किन में बहुत ग्लो आता है. आप देखोगे कि बाज़ार में जो उपटन मिलता है वो इससे ही बनता है, वाइल्ड टर्मरिक से. ये ऐसी हल्दी होती है, स्मेल भी इसकी अलग आती है, ये स्पेशली स्किन के लिए होती है. तो बस ये डालनी है हमको और ग्रीन टी जो है उससे मिक्स करना है हमको. बस थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाओ और फिर ऑरेंज पिल पाउडर जो है वो डालो. आप लेमन भी ले सकते हो, लेमन भी डाल सकते हो आप अंदर, आपके पास ऑरेंज पिल पाउडर ना हो तो. ठीक है, थोड़ा ऐसे. ग्रीन टी है ना टैनिंग रिमूव करने में बहुत मदद करती है, फेस को टॉनिंग करती है, मॉइस्चराइज करती है. और ये है, यहाँ पे मैंने लिया है गुलाब जल.
मैं यहाँ थोड़ा गुलाब जल भी डालूंगी। बस तो फ्रेंड्स यही है, हमको बस ग्रीन टी चाहिए इसमें कोई भी कंपनी की। मेन इसमें इंग्रेडिएंट्स है कि वाइल्ड टर्मरिक। वाइल्ड टर्मरिक हमारे फेस के लिए बहुत ही गुणकारी है फ्रेंड, तो आप ज़रूर से मंगाओ। और ये है हमारा रेडी हो गया है उपटन, तो आप वीक में ये दो बार लगाओ और आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा ये चीज़ का। तो मैं बस अभी फेस पैक लगा के शावर लेने जाती हूँ और मिलती हूँ बहुत जल्दी फ्रेंड। फ्रेंड्स मैंने फेस पैक लगा दिया है और इतना बच गया है, तो ये मैं फ्रीज में रख के स्टोर कर दूंगी और नेक्स्ट वीक लगा सकती हूँ। आप इसको एक महीना स्टोर कर सकते हो। और एक इस फेस पैक की सबसे अच्छी बात है कि हम हल्दी लगाते हैं ना, तो उसमें स्टेन रह जाता है फेस पे। ये हल्दी जो मैंने आपको दिखाई वो बिल्कुल मतलब इससे दाग धब्बा नहीं पड़ेगा, ये इसकी स्पेशलिटी और स्पेशल स्किन के लिए है, तो बहुत ग्लो आएगा इससे। तो आप ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स ये फेस पैक। 10 मिनट रखना है ये फेस पैक, फिर ऐसे इसको मल्सीफाई करना है और इससे क्या होगा कि जो डेड स्किन है हमारी रिमूव हो जाएगी। फिर फेस वॉश करना है मतलब नॉर्मल पानी से, तो फिर ऐसे ही बस उसको सूखने तक का वेट करेंगे 10 मिनट तक। फिर हम उसको ऐसे पील करेंगे सर्कुलर मोशन में और फिर वॉश कर लेंगे, तो इससे आपको बहुत अच्छी इफेक्ट आएगी और स्क्रबिंग भी हो जाएगा, फेस पैक भी हो जाएगा, मतलब 2-in-1 इफेक्ट है इसमें। तो डेफिनेटली आप ट्राई करना ये। A few moments later. तो बस मैंने शावर ले लिया है, देखो मेरे फेस पे वो फेस पैक जो अप्लाई किया था उसका ग्लो कितना अच्छा, एकदम क्लियर स्किन हो गई है, क्लीन एंड क्लियर। हम अभी बाहर जाके आए थे ना अंबाजी, और वहाँ पे तो बहुत टैनिंग हो गई थी फेस, 2 दिन से टायर्ड फील हो रहा था, ऐसे फेस में कोई ग्लो ही नहीं था। इंस्टेंट ग्लो आ जाता है फ्रेंड देखो ये एकदम अच्छे से। और बस अभी हमने लंच कर लिया है, अभी वापस ऑफिस चले गए हैं, वो आएंगे 6:30-7 बजे के बाद या 6:30 बजे तक आ जाएंगे। तब तक मैं थोड़ा मेरा घर का काम तो सारा हो गया है, रूटीन वर्क एवरीथिंग इज़ कम्प्लीट। बस अभी AC चालू किया है शांति से और TV देखूंगी, मेरे ब्लॉग्स देखूंगी और थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर चाय और शाम की तैयारी। अभी तो रूटीन डेज में तो ऐसे ही चलेगा, बस लंच और डिनर पे आना जाना अभी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि सैटरडे संडे ही हम फ्री हो गए ज़्यादातर, मतलब मैं तो होंगी पर मेरे हस्बैंड सैटरडे संडे ही फ्री हो गए, सैटरडे भी नहीं संडे ही ज़्यादातर वो फ्री होते हैं। तो देखते हैं अभी शाम को क्या बनाऊंगी मैं, अभी कुछ फाइनल नहीं है। अगर हम कहीं बाहर भी जाए ऐसे कुछ काम नहीं है, बस मुझे वेजिटेबल्स लेना है, थोड़ी ग्रॉसरी लेनी है, तो देखते हैं फिर बाहर जाने का, बाहर भी हो जाएगा वो बहाना भी मिल जाएगा कि हम चक्कर लगा के आए कहीं। और बस मैं शायद कल जाऊंगी घर मम्मी के, क्योंकि मुझे केराटिन करवाना है हेयर में, हेयर केराटिन, तो मेरे फ्रेंड का सलोन है तो मैं वहाँ जाऊंगी शायद, अभी कोई फिक्स नहीं है। मुझे केराटिन करने का सोच रही हूँ क्योंकि मैं करवाती हूँ एवरी 6 मंथ या 7 मंथ के बाद मैं करवाती हूँ हेयर में, तो हेयर बहुत हेल्दी दिखते हैं उसमें, और केराटिन वो प्रोटीन होता है ना तो अच्छा होता है। देखते हैं अभी कि ये मंथ कराऊँ या फिर नेक्स्ट मंथ कराऊँ, कुछ फिक्स नहीं है। अगर टाइम हुआ तो कल करवा लूँगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट मंथ देखते हैं क्या होता है। और आप बताओ आपने लंच में क्या खाया, आज क्या बनाया। और मैंने अभी फ्लिपकार्ट से थोड़ा चीज़ ऑर्डर कर रही थी, बेडशीट वगैरह, कुशन कवर बेडशीट, वो सब अभी अच्छी ऑफर चल रही है फ्लिपकार्ट पे, तो आप भी चेक करना। और बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, मैं बस थोड़ा रेस्ट कर लूँ, बाल सुखा लूँ, ड्राई कर लूँ ड्रायर से, और फिर मैं थोड़ा रेस्ट करके बाद में मिलती हूँ आपको। और आप इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स चेक करती हो या नहीं, मेरे और मेरी हबी की हमको बहुत शौक है रील्स करने का, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। और आप हो सके इतना सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, और मुझे क्या और लाना चाहिए आप अपने रिशेज मुझे शेयर कर सकते हो,
मैं आपकी डिशेस मैं हमेशा ट्राई करती रहती हूँ, मुझे कोई भी अच्छी डिश लगे वो मैं खुद बनाती हूँ। तो आप भी मुझे भेज सकते हो कुछ कि आप ये बनाओ ये बनाओ, ये रेसिपी आप दिखाओ, तो मैं दिखाऊंगी। तो फिर हम शाम को मिलते हैं, बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, दम आलू की सब्ज़ी। मेरे हबी का फ़ोन आया, बोले कि मैं लंच पे आ रहा हूँ, तो फटाफट से मैं 5 मिनट वाला फटाफट दम आलू बना रही हूँ। ये नॉर्मल सी ग्रेवी बना दूँगी अदरक लहसुन ऑनियन की पेस्ट करके, बस फ्राई करती हूँ अभी। ये फ्राई करने के बाद बनाऊँगी तो क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आती है आलू की। बस तो मैं फटाफट से लंच प्रिपेयर कर लूँ। तो फ्रेंड बस मैं यहाँ इंस्टेंट वाला दम आलू बना रही हूँ, फटाफट वाला, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। बस मैंने यहाँ डाला जीरा, राई, थोड़ी सी हिंग और ये जो ग्रेवी बनाई है मैंने, वो मैंने सारी ग्रेवी मिक्स करके ही डाल दी है। ऑनियन और हर एक चीज, टमाटर उसमें डाल दिया है, अलग से नहीं पीसी मैंने। बस ये ग्रेवी अच्छे से सौते हो जाए, पक जाए। रेगुलर मसाले डाल दूंगी मैं, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, और ये किचन किंग मसाला है टाटा का, वो डाल दूंगी मैं। थोड़ा गरम मसाला भी डाल सकते हो आप, मैं किचन किंग मसाला यूज़ करती हूँ इसमें। थोड़ा धनिया डालूंगी इसमें, ऊपर से भी डालूंगी और इसमें भी ग्रेवी में भी डालूंगी, इससे क्या है फ्लेवर अच्छा आता है। और ये नमक थोड़ी जल्दी बना रही हूँ फ्रेंड्स में सब्जी, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया है मेरे हबी को आने का, तो फिर लेट होगा, उनके पास सफिशियंट टाइम होता है लंच का। तो देखो ये पक गई है फ्रेंड्स ग्रेवी अच्छे से, बस तो इसमें आप छोटे छोटे आलू डाल लूँगी जो मैंने पहले से ही फ्राई किए हैं थोड़े। फ्राई करने से क्या होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू का, कच्चापन नहीं रहता। ग्रेवी आपके हिसाब से, जितना पानी डालना है उतना डाल सकते हो आपको किस हिसाब से ग्रेवी चाहिए। राइस के साथ खाना है तो ज़्यादा ग्रेवी रखो, पराठा के साथ रोटी के साथ तो कम रखो। बस मैंने कुकर ढक दिया है, 3 व्हिसल कर दूंगी और एक तरफ मैं आटा भी गूंथ लिया है, तो मैं रोटी बना लूँ जल्दी से। बस 3 या 4 व्हिसल में हो जाएगा रेडी, उसके बाद मैं मलाई डालूँगी, बस फिर सर्व कर दूँगी। अब मैं फटाफट से रोटी बना लूँ, फिर मिलते हैं जल्दी। तो बस यहाँ पे बन रही है रोटी, फटाफट से रोटी बनाओ और सब्ज़ी बन गई है। देखो मेरा लंच रेडी है, बस अभी आ गए, उनको बस लंच दे दो। हम घर आ चुके हैं और देखो पति देव क्या खा रहे हैं, दबेली। इनकी फेवरेट है, मेरी फेवरेट। हाँ। इसमें जो पीनट्स होते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज़ आई लव पीनट्स।
एंड पोमीग्रेनेट के दाने होते हैं इसमें, बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए जिस चीज़ में पीनट्स है मुझे अच्छी लगती है पीनट्स वाली दाल और वो सब है ना। तो चलो फ्रेंड अभी हम दाबेली खाएंगे, इंजॉय करेंगे और बस आज ब्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ बस अभी लंच तो हो गया जो आपके साथ शेयर किया था, डिनर अभी हमारा ये है और पराठे बना लूँगी, सब्जी ऑलमोस्ट पड़ी है पूरा दिन किचन में ही। हाँ देखो ना क्या करें बस तो हम लड़कियों की ज़िंदगी किचन में ही जाती है ना मामू, सोते भी किचन में ठीक है तो फिर हम कल नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, तो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय बाय।